शिव जी के नेत्र खुले। बाबा ने पूछा क्या बात है। शंकर भगवान ने जब पूछा कि बात क्या है, देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है। असुरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, देवता भटक रहे हैं, आप कृपा कर दो, आप दया कर दो। शिव जी ने कहा देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करो। मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत देवता धारण कर लेना, सुख अनुभव हो जाए। अब देवता राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। जो मंथन करना प्रारंभ करा, कच्छप भगवान विष्णु रूप धर कर नीचे गए, मंदराचल पर्वत को सुमेरु को अपने पीठ पर रख लिया, शेषनाग की नेति बनाकर मंथन करना प्रारंभ करा। और मंथन करते 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 सबसे पहले गौ माता प्रकट हो गई। कितनी गाय निकली? 5 गाय प्रकट हो। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, पांचवी बहुला। 5 गाय प्रकट हो। सुरभि, सुशीला, बहुला, जब ये नंदा सुभद्रा प्रगति, और उसके बाद जो निकला वो विष निकला। विष देव अधिदेव महादेव के पास चले गए। गाय जो प्रगट हुई, सुरभि जिसको कामधेनु कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष प्रजापति प्रगट हुए थे, उनकी धर्म पत्नी वीरणी ने जब देखा सुरभि गाय को, बड़ी सुंदर गाय है, बड़ी सुंदरता उसकी है क्योंकि वो कामधेनु है, बड़ी सुंदर। आज के जमाने में इतनी सारी गौशालाएं खुली हैं, गौ माता की रक्षा की बात दुनिया के लोग करते हैं, प्रत्येक राजनीतिक मंच पर गाय माता की जय घोषणा होती है, गाय के लिए बहुत सारे नियम भी बनते हैं, गाय के लिए धन भी आता है, गौ माता की रक्षा के लिए बहुत पैसा भी आता है, पर गौ माता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? आता तो है पर गौ माता तक पहुंच नहीं पाता। इतने सारे गौशाला, इतने सारे एनजीओ, इतनी सारी संस्थाएं गौ माता के लिए काम कर रही हैं, गौ माता के लिए आगे बढ़ रही हैं, पर फिर भी गौ माता रोड पर कचरा, पन्नी, पॉलिथीन खा रही, तो भी दुखी। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हम तो इतना सा कहना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए, एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में जब हम छोटे थे
इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा पहले गाय का निबंध आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के चार पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है, माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो। गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना है। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसे हमें संभालना है। उनकी निगाह में तो बस डी फॉर डॉग, बस उनके ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो, सुबेरे सुबेरे चड्डा पहन के, टी शर्ट लेके, चंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सुबेरे सुबेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सुबेरे सुबेरे कुत्ते के पीछे चल रहा है। इनके घर के बच्चों को नौकरानी छीछी करा रही, ये कुत्ते को छीछी करा रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बिचारी संभालती, छीछी कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेठ डेंटिंग पेंटिंग करके, सेठानिया जंजीर से बांध कर सुबेरे सुबेरे छीछी करा रहे। तुम्हारे घर की औलाद को नौकरानी करा रहे, तुम कुत्ते को करा रहे और अपने आप को सेठ समझ रहे। अरे भाग्य फूटे हैं तुम्हारे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छीछी करा। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान ने कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छीछी कराना, कुत्ते को घुमाना। जरा अपनी किस्मत को तो सोचो कि तुम्हारा भाग्य भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा, कुत्ता घुमाना। मेरा माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन, और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में एक पाठ गौ माता का जोड़ दीजिए जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके, तब सार्थक होगा। और अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचे, तो आने वाले समय में जिस जिस जगह कथा करने जाएंगे वहां पर 5 पैसे का 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सबसे लिखवाएंगे, पता लिखवाएंगे और पहुंचवाएंगे कि गौ माता का पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्टों में होना जरूरी है।
सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा के लिए आप गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करो कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि गाय हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करना है। गाय के दूध से कैंसर समाप्त होता है, गाय के मूत्र से कैंसर समाप्त होता है, गाय के गोबर के कंडे पर पांव रखकर हल्दी डालकर बैठ जाओ तो शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। गाय का एक एक शरीर का एक एक चीज हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाली, ये सीखे बच्चे, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए सब्जेक्ट, चाहे वो अंग्रेजी में आए चाहे हिंदी में, पर उस सब्जेक्ट में गाय के लिए कुछ हो। मंथन में निकली पांच गाय, और मेरा निवेदन आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आज की कथा में से काट कर पूरे भारत की इस भूमि पर एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक इंस्टाग्राम पर ये चलना चाहिए कि सनातन धर्म में गौ माता के लिए भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में। अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पाठ हो, पर वो पाठ्यक्रम में जुड़े।